देखो क्या बोल रहा है कि हमें 2 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से यूं जाऊँ, यूं जाऊँ, यूं जाऊँ यहाँ पर, और मान लो यहाँ से करंट में डिवाइड भी करता हूँ कि इधर इधर जाएगा कुछ कुछ इधर जाएगा, तो फिर इधर जब जाएगा तो अब यहाँ से मेरे पास 2 चॉइस है कि अब इधर भी मैं भेजूँ और इधर भी भेजूँ। तो इसका यूं जा करके मैं ऐसे ले आऊँगा ना, तो दोबारा मैं इसी रास्ते पे आ रहा हूँ, तो ये लूप नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं सिंगली इसका देखूँ ऐसे जा करके ऐसे, तो ये कंप्लीट हो जा रहा है चक्कर। इसमें भी अगर देखूँ ऐसे जा करके ऐसे, तो ये कंप्लीट हो जा रहा है चक्कर। लेकिन इसको जब इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट लूप नहीं बन रहा। मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्लोज सर्किट। क्लोज मतलब सर्किट लूप, सर्किट सही लिख रहा हूँ ना, सर्किट लूप। तो जब ये लूप नहीं बन रहा तो इसमें करंट होगा 0, इसलिए करंट विल बी 0, सी ऑप्शन। इसका होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? टोटल सम चार्ज करंट जो है वो 0 होना चाहिए। ये रूल था ना कि यहाँ से आपका करंट आ रहा है 5 एम्पियर, और ये अगर हमारा नोड है और इसके 2 पॉइंट्स अगर बन रहे हैं, अगर यहाँ 2 एम्पियर गया है तो यहाँ पर 3 एम्पियर जाएगा, तो नेट चार्ज चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ। और ये मोमेंटम चेंज, सॉरी मोमेंटम नहीं है, पोटेंशियल चेंज जो है किसी भी लूप में, एक लूप सर्किट में मोमेंटम, क्या मोमेंटम बोल रहा हूँ मैं, क्या पोटेंशियल चेंज जो है वो सम चेंज जो है वो 0 होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल जो है पूरे एक लूप में हम घूमे तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा, अगर मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा यहाँ करो रेजिस्टेंस, तो सोर्स के बराबर ही होगा टोटल, यानी चेंज जो होगा वो 0 होगा। अगर ये टोटल 10 वोल्ट था तो ये भी 10 वोल्ट होगा। मतलब इसी बात पे प्लस माइनस का साइन वाइन बना हुआ है। और तुम्हें पता है ना पोटेंशियल क्या होता है? क्या होता है? यू मीन पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का डेफिनेशन यही तो है। पोटेंशियल डिफरेंस का तो 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस होगा। ये मजाक करना चाह रही है, देखो इधर। तो एक्चुअली में जो पोटेंशियल है वो क्या है? वर्क डन ही है, पर यूनिट चार्ज है। लेकिन है तो ये वर्क डन ही ना, मतलब एनर्जी ही है ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि टोटल चेंज इन एनर्जी जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी दो बात था ना, एक करंट से रिलेटेड, तो करंट इज रिलेटेड विद चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि टोटल चार्ज फ्लो जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। 5 एम्पियर आ रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो कुछ चार्ज इधर गया तो बचा हुआ चार्ज इधर जाएगा। चार्ज विल नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड एट एनी जंक्शन पॉइंट। ये सिंक की तरह काम नहीं करेगा, ये रूल था। और उसी तरह से एनर्जी वाला है, मैंने अब तुम्हें वोल्टेज के हिसाब से बताया, बट ये जो पोटेंशियल है ये तो एक्चुअली में वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन तो एनर्जी होता है। तो अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है इस एक पूरे लूप में, तो मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रहा। एनर्जी चेंज नहीं हो रहा मतलब कि एनर्जी कंजर्व है। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन बी। जैसे एरर कैसे निकालते हैं, मान लो कोई मेरा क्वांटिटी है एक्स, एक्स इज इक्वल टू है ए स्क्वायर बी, तो मुझे एरर एरर अगर निकालना है एक्स में, तो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन में बी। परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम इसको 100 से
मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ, फिर वैल्यूज जो दी होती है लगा देते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही लूंगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेंथ को हम ऐसे बोल देते हैं कि लेंथ में 0.1% का एरर है, तो इसके रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा, परसेंटेज एरर कितना होगा। तो देखो, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रॉ एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस क्या बोला है इन्होंने, हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। देखो लेंथ जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो एरिया कम ज्यादा हो सकता है ना, तो मैं हाँ एरिया कम हो सकता है ना, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। तो मैं इसको ना एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और तुम्हें भी बात समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ ये। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा रॉ एल स्क्वायर अपॉन में, ये हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया इंटू में लेंथ वॉल्यूम। तो मेरे पास कॉन्स्टेंट फैक्टर क्या आ गया, रॉ अपॉन में वॉल्यूम एल स्क्वायर, है ना। अब ये वाला पार्ट मेरा कांस्टेंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो डेल्टा आर अपॉन में आर इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट में कोई एरर होता नहीं है तो कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, टू डेल्टा एल अपॉन में एल। तो अब परसेंटेज एरर निकालना, तो ये जो परसेंटेज ही दिया हुआ है ना, सॉरी परसेंटेज एरर के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू में डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100 कर देता हूँ, और ये परसेंटेज हमें दिया हुआ है 0.1 जो है यही दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं लैंग्वेज का लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1, तो हो जाएगा आपका 0.2, यानी कि विच वन ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या, हाँ ये एरिया इंटू में लेंथ इज वॉल्यूम, नहीं पता ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है एरिया और ये होता है लेंथ, वॉल्यूम होता नहीं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, वायर को आप स्ट्रेच करोगे उसके अंदर जो जितना मटेरियल होता उतना ही रहेगा। आ गया आप लोगों को समझ में, शाबाश। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द करेंट इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम, करेंट की वैल्यू दे रखी है ये, सॉल्यूशन करंट दिया हुआ आपका 2t प्लस में 3t स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन ड्यूरिंग 2 से 3 सेकेंड, मतलब कोई कंडक्टर है ये, इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये करंट वेरी करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, करंट की वैल्यू टाइम पे अलग अलग है। तो करंट अगर फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे से तीसरे सेकंड तक इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है कि करंट की वैल्यू होती है dq बाय dt, तो आप इसको लिख सकते हो i dt इज इक्वल टू में dq, फिर i की वैल्यू लिख सकते हो जो दिया हुआ है ऊपर 2t प्लस में 3t स्क्वायर dt इज इक्वल टू में dq, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग लिमिट लगा देंगे यहां पर फ्रॉम 2 से 3, और 2t प्लस में 3t स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेट इन dq। तो देखो जरा, तो मेरा इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा, हेलो सुनो इधर, 2t स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 प्लस 3t3 आ जाएगा अपॉन 3, और लिमिट्स आ जाएंगे इसकी 2, 3, और ये हो जाएगा आपका सॉल्व होकर के q। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, t³ प्लस में t³ रेज टू दी पावर नहीं है और लिमिट्स हैं q। पहले मैं 3 लगाऊंगा, तो मैं मेंटली सॉल्व कर लेता हूं इसको,
देखो पहले मैं थ्री लिखूंगा दोनों पे, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा मेरा नाइन प्लस ये हो जाएगा 27, फिर माइनस लगाऊंगा फिर टू पुट करूंगा तो आ जाएगा पहले फोर प्लस में फिर टू पुट करूंगा तो आएगा एट, दैट इज इक्वल टू क्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस में यह आ जाएगा 12 इज इक्वल टू क्यू, तो यह आ जाएगा 24 कूलम चार्ज, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट।